बिल्कुल बेस्ट है जो नया टो मॉडल आया जो स्पेशल एडिशन दोबारा आया जो इसकी जो टॉर्क क्षमता है वो खिंचाई क्षमता बोलते हैं टॉर्क को, वो और भी बेस्ट दे रखी है। पहले वाले में 200 के आसपास थी, इसमें 240 दे रखी टॉर्क एनएम। डीजल खर्चा बिल्कुल कम है जी, पहले वाला ज्यादा खाता था, अब वाला कम खाता है। इसकी माइलेज अच्छी है, एक इसमें मेंटेनेंस कम है और अपने खिंचाई जैसे जोतते हैं उसमें ज्यादा ताकतवर लगा, खिंचाई में सबसे टॉप है। अच्छा जी, हाँ, जैसे मिट्टी उट्टी किसी में भी चला लो, जोत में चला लो, रीपर पे चलाओ, रूटावेटर पे चला, ऑलराउंडर ट्रैक्टर है, जब कोई मुकाबला नहीं है। 20 साल होया है, पहले 17-18 तो ही गए, अभी है वो 3600, अभी तक तो हम कहीं चाबी लगी ना है। मैं 2001 से नोलैंड चलाता हूँ, जब मैंने एडिशनल लिया है, पहले 2014 में भी ले रहे थे मैं एडिशनल। इसके जो तेल है बढ़िया लेता है और जैसे ड्राइवर थकान नहीं मांगता, बहुत बढ़िया काम चलता है। डीजल खर्चा भी बहुत कम है और खिंचाई बहुत बढ़िया है, वो बढ़िया ट्रैक्टर है जी। मेंटेनेंस को एक पहली बात तो है, खिंचाई बढ़िया, तेल की बचत से। मैं भाई साहब 19 साल से नोलैंड से जुड़ा हुआ हूँ, डाटा ट्रैक्टर कंपनी रोहतक से। नोलैंड ट्रैक्टर दुनिया सबसे अच्छा ट्रैक्टर है, ये डीजल की बहुत ही कम खाता है और ट्रैक्टरों से। नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है भाई। आज करनाल में ना ओलैंड कंपनी द्वारा 100+ ट्रैक्टर डिलीवर किए जा रहे हैं और साथ में सभी ट्रैक्टर मॉडल इसमें होंगे, अपना 3630 सुपर स्पेशल एडिशन, 5620 CRDA टेक्नोलॉजी के साथ में, और इधर अपना कस्टमर मीट जो कि यहाँ पे कस्टमर डिलीवरी के लिए आए हुए हैं। तो ये ट्रैक्टर न्यू ओलैंड मेगा डिलीवरी डे 26 मई 2023 करनाल के अंदर कंपनी द्वारा ये रखा गया, फिलहाल यहाँ पे लिमिटेड स्टॉक लाया गया है। और ये 3630 स्पेशल एडिशन दोबारा फिर अपना मार्केट में वही अपनी उसी भरोसे के साथ में दोबारा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। ये अपना कस्टमर जो ट्रैक्टर को की डिलीवरी के लिए लेने के लिए आए हैं, और साथ में ये अपना छोटा न्यू ओलैंड 20 सिम्बा 20 ब्लू सीरीज के साथ में। आप यहाँ जैसे ट्रैक्टर डिलीवरी के लिए आए हो, लेने के लिए आए हो, तो अपना जैसे ओलैंड जो आपने सेलेक्ट किया है तो इसमें खास क्या है अपना ट्रैक्टर में? ये खास चीज़ इसकी माइलेज अच्छी है, एक इसमें मेंटेनेंस कम है और अपने खिंचाई जैसे जोतते हैं उसमें ज़्यादा ताकतवर लगा है। जमींदार के हक में, जमींदार के हक में बढ़िया ट्रैक्टर है। ठीक ठीक, मतलब जैसे प्राइस को लेकर, कम्फर्ट को लेकर कैसा है, चलाने में कैसा? चलाने में आरामदायक है। कितने साल से अब जैसे आप ओलैंड चला रहे हो? करीबन 4 साल से। अब 4 साल से ओलैंड से? हाँ जी, अब नया और बदलिया हमने आपको। अच्छा, एक नया और लिया है? और लिया, 2 ट्रैक्टर हमारे पास। अच्छा, ऑलरेडी 2 पहले से। चलो वाजिबा, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार, आप बताओ सर अपना फीडबैक कैसा है ट्रैक्टर ओलैंड? मैं 2001 से ओलैंड चलाता हूँ, जब मैंने एडिशनल लिया है, पहले 2014 में भी ले रहे थे मैं एडिशनल। इसके जो तेल है बढ़िया लेता है
और जैसे ड्राइवर थकान नहीं मांगता, बहुत बढ़िया काम चलता है। मतलब जैसे जमींदार के हक में है ये? हाँ, बहुत अच्छा। अब आप एक और नया लेने आए हो, इसलिए तो 2001 से लगे हुए हैं। आप 2001 से जुड़े हुए ओलैंड फैमिली के साथ जो लॉन्च किया। चलो जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। आप होलैंड से कब से जुड़ रहे हो? 2007 से जुड़ रहे हैं। तो ऐसा ऐसी खास क्या बात है जो होलैंड में जो आप 2007 से जुड़ रहे हो? तेल की एवरेज बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा जी। सब ट्रैक्टर के मुँह जब जैसे अगर आदमी मजदूर भी रखे हो ना तो उसके वो तेल की उसमें लगा दोगे तनख्वाह भी है। अच्छा, तेल वहीं से डीजल बचा के खर्चा निकाल देगा। खर्चा निकाल देगा, ठीक है। खिंचाई में सबसे टॉप है। अच्छा जी। हाँ, जैसे मिट्टी उट्टी किसी में भी चला लो, जोत में चला लो, रीपर पर चला, रूटावेटर पर चला, ऑलराउंडर ट्रैक्टर है, कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा, तो इसलिए आप इसे 2000 टूट फूट के मेंटेनेंस वगैरह 20 साल हो जाए, पहले 17-18 तो ही गए, अभी है वो 3600 अभी तक हम कहीं चाबी लगी ना है। अच्छा, आज तक चाबी 2007 से लेकर आज तक चाबी भी नहीं लगी? चाबी भी नहीं लगी कहीं इंजन में। अरे वहाँ पर दूसरा फिर लेने आ गया 3132 भी है। अच्छा, 30-32 में नहीं, अब जैसे अब 2023 में दोबारा लेने आ गए ट्रैक्टर मॉडल है 30-32 है जो। अच्छा अच्छा, हमें भी बिल्कुल जैसो है वैसे वैसे ही छाड़ो, चलते एक बार लो बस छुट्टी, फिर दोबारा सदाबहार सौदा है। सदाबहार सौदा। वाह जी। नमस्कार जी, आप ओलैंड से कितने साल से जुड़े हुए? सर पहले शुरुआत में हमारे पास 1999 में मिले थे। 1999 शुरू दिन से ही? अच्छा, उसके बाद फिर ये हमने अपने 5-6 ट्रैक्टर ले रखे अपने से। अच्छा, 5-6 ट्रैक्टर ओलैंड ही यूज कर रहे हैं एक ही घर पे। तो ऐसी खास क्या है इसमें? खास भाई ये ट्रैक्टर चलाए बदो ट्रैक्टर चलाए कौन से पास, कारण क्या है? डीजल खर्चा? डीजल खर्चा भी बहुत कम है और खिंचाई बहुत बढ़िया है। डीजल खर्चा भी कम है, खिंचाई भी बढ़िया है। मतलब किसान के टू मेंटेनेंस कैसी है इसकी? खर्चा मांगे हमारे 22-23-24 साल हो गए आज तो कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, सर्विस कराई चलाई, सर्विस कराई चलाई। मतलब जैसे एक रिलायबल प्रोडक्ट है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जमींदार के लिए, जमींदार के लिए सबसे बेस्ट है। चलो जी, देन थैंक यू। हाँ, तो होलैंड जैसे आप कितने साल से होलैंड के साथ जुड़ रहे हो? 1.5 साल हो गई। 1.5 साल से जैसे आप जुड़े हो होलैंड के साथ, तो ये कैसा ट्रैक्टर निकला? वो बढ़िया ट्रैक्टर है जी, मेंटेनेंस को एक पहली बात तो यह खिंचाई बढ़िया, तेल की बचत मेन चीज जो जमींदार के लिए चाहिए, वो सारी तेल है, तेल की बचत बढ़िया है, तेल की बचत भी, खिंचाई भी, मेंटेनेंस भी आप मना कर रहे हो जैसे। हाँ। और क्वालिटी वाइज कैसा ट्रैक्टर है? क्वालिटी में तो जी सारे तो सिस्टम है, ओराम इतने सिस्टम है ना, हाँ जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई और की है, इतने फंक्शन आरामदायक है, हाँ इतने फंक्शन है, वो बढ़िया। चलो ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक है जी, धन्यवाद। आप कितने दिन तक ओलैंड के साथ जुड़ रहे हो सर? मैं भाई साहब 19 साल से न्यू ओलैंड से जुड़ा हुआ हूँ, डाटा टेक कंपनी रोहतक से। अच्छा, न्यू ओलैंड से तो 19 साल से जुड़ रहे हैं आप। ऐसी खास क्या है ट्रैक्टर में? न्यू ओलैंड ट्रैक्टर दुनिया का सबसे अच्छा ट्रैक्टर है, ये डीजल की बहुत ही कम खाता है और ट्रैक्टरों से। अच्छा, ताकत लगाने में कैसा है? ताकत लगाने में सबसे बेस्ट है। और मेंटेनेंस सबसे कम है? कम से कम मेंटेनेंस जैसे आप बता रहे हो भाई, डीजल खर्चा? डीजल खर्चा है, ब्रेक की लाइफ है, क्लच प्लेट है, बहुत ही कम खर्चा है इन ट्रैक्टरों का। हर तरीके से जैसे जमींदार के हक में बढ़िया है? बढ़िया जी, सबसे बेस्ट है। आप 19 साल से चला रहे हो, इसका मतलब बेस्ट ही है। हाँ जी, क्योंकि आप भी इसके साथ जुड़ रहे हो। हाँ जी, तो आपके नज़रिए में कैसा सर? बिल्कुल बेस्ट है, जो नया तो मॉडल आया जो स्पेशल एडिशन दोबारा आया जो। हाँ हाँ। इसकी जो टॉर्क क्षमता है, हाँ। वो खिंचाई क्षमता बोलते हैं टॉर्क को, वो और भी बेस्ट दे रखी है। पहले वाले से भी और बढ़िया है? हाँ जी, पहले वाले में 200 के आसपास थी, इसमें 240 दे रखी टॉर्क है नाम। और डीजल खर्चा कैसा है उसका? डीजल खर्चा बिल्कुल कम है जी, पहले वाला ज्यादा खाता था, अब वाला कम खाता है। अब वाला और भी कम, नया मॉडल लिया है, वो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका, बिल्कुल ही अच्छा है। जैसे जमींदारों के लिए लेने के लिए लायक है ट्रैक्टर? बिल्कुल है जी, बिल्कुल। जो स्पेशल एडिशन के जिसके भी ज्यादा इच्छुक इंसान थे स्पेशल एडिशन के, हाँ हाँ, वो बेस्ट स्पेशल एडिशन दोबारा 50 HP में दोबारा कन्वर्ट करके कंपनी ने निकाल दिया है। उसमें बहुत छोटे छोटे बदलाव करे हैं जो? हाँ, छोटे बदलाव करे हैं, लेकिन ताकत वही है, लेकिन खर्चा में 50 HP मिलेगा आपको। अच्छा, ताकत वही है? हाँ, ताकत वही है। ठीक, थैंक यू जी। ओके, धन्यवाद। पहुँच के हैं, हमारा स्पेशल एडिशन है जो हम काफ़ी सेल कर रहे हैं, हमारा रॉकेट ट्रैक्टर है जो कि हमने इसी साल लॉन्च किया है, रॉकेट ट्रैक्टर जो कि दम रखता है 55 HP का, हालांकि है तो 49.5 है अगर हम बात करें, लेकिन ये 55 HP का दम रखता है ट्रैक्टर, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है और काफ़ी अच्छी, सिर्फ यहीं पर नहीं, सिर्फ हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उस ट्रैक्टर को काफ़ी अच्छा सराहा जा रहा है। देश के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं लोग जो किसान हैं वो न्यू होलैंड की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्या है आखिर इसमें? इसका काम है हमारा टेक्नोलॉजी और हमारी क्वालिटी। जैसे हम बहुत सारे कस्टमर्स को अपने प्लांट्स में भी बुलाते हैं,
हमारे अगर आप प्लांट्स में देखें तो ऑटोमेटिक प्लांट्स हैं, जैसे हमारी पेंट शॉप है ऑटोमेटिक है, तो हमारा बनाने का और डिज़ाइन करने का बिल्कुल तरीका अलग है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छी है। बताया जाता है कि किसानों के बजट में भी है, किसानों के बजट में भी है, और किसानों को जो किसानों का जो खर्चा है ट्रैक्टर को चलाने में वो भी कम होता है, और ज़्यादा वो पावर उनको ज़्यादा मिलती है। पूरे भारत की बात करें जैसे पहाड़ी इलाकों के लिए ट्रैक्टर, किस तरह से आपकी कंपनी की तरफ से कुछ ट्रैक्टर खास विशेषता? तो जैसे मैंने बोला पावर के लिए, अगर जो हमारे ट्रैक्टर की जो पावर है आपको कहीं किसी और ट्रैक्टर में उस टाइप से पावर नहीं मिलेगी, और उसके साथ साथ जब ये किफ़ायत के साथ भी चलता है तो नेचुरली किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। अगर बात कहें तो जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं पूरे सभी के मन खुश हैं, आज हमें ट्रैक्टर मिलेंगे, उन किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन किसानों को बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, आप एक प्राउड ऑनर हो, और आपको हमेशा इस चीज़ के ऊपर घमंड रहेगा कि आपने अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है। धन्यवाद, खुशहाली भी लेके आएगा। आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये पहली पसंद आखिर क्यों बनी? ट्रैक्टर कंपनी तो बहुत बहुत है। या पहली पसंद इसलिए बनी कि इस ट्रैक्टर की जो खूबियां हैं वो एक उस पर यूनिक फीचर्स हैं, ये अपने में अनोखे में यूनिट हैं, और ये प्रूव है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहाँ ये गए खुशहालियाँ लेके आए हैं कस्टमर्स के घर में, किसान के घर में, और नए नए फीचर्स हम इसमें ऐड करते हैं, और इसमें हर हमारा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इस पर जारी रहता है, तो ये हमारी खास खूबियाँ हैं। जब किसी छोटे किसान को ट्रैक्टर की जरूरत होती है तो वो उसके पास थोड़े से पैसे होते हैं, और आपके ट्रैक्टर पे बैंक भी लोन कर देता है जल्दी, क्या कारण है? आई थिंक संदीप आप या ये हमारे सेल्स हेड हैं। जी हमारी अपनी जो है एक सिस्टम कंसर्न है CNH कैपिटल, तो जो भी किसान के पास जैसी भी ज़रूरत है उस हिसाब से हम लोग लोन की फैसिलिटी भी है, उसका क्रेडिट देख के ज़मीन देख के, तो सारे पैकेज हैं हमारे पास जहाँ लोन हो सकता है। जी दीपक से भी बात करना चाहूँगी, क्या कहना चाहूँगी? दीपक जी क्या कहेंगे, करनाल में आपने मेगा ट्रैक्टर करवाया है और जिसके तहत आज कंपनी के सभी जो बड़े एमडीज यहाँ पहुँचे, तो क्या कहेंगे आप? करनाल में आज पूरे हरियाणा का एक डिलीवरी फंक्शन रखा गया है जिसमें मुख्य तौर पे हमारे एमडी साहब आए हैं, और ये पूरे हरियाणा का है, हर एक डीलर का है। हमारे हरियाणा में 24 डीलर हैं जो कि आज यहाँ आए, और 125 के करीब वो डिलीवरी आज करेंगे। जिदा पंजाब ते हरियाणा दे विच मतलब काफ़ी किसान नेंगे जिहड़े हॉलैंड नूं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो तुसीं अज इत्थे विजिट किया, मतलब किवें लग्या वी किसानां दा इदां प्यार मिल रहा हॉलैंड नूं? नहीं बहुत अच्छा लग्या, मैं देखा जिन्ना एंथूजियाज़म इत्थे हैगा जी, वो एंथूजियाज़म तुहानूं हर जगह देखण नूं नहीं मिलदा, इत्थे एक माहौल ही अलग है, ये एरियाज़ दे माहौल ही अलग है जी, बहुत अच्छा लग्या मैनूं। ते दूजी गल इह है इह कंपनी भी इह चीज़ महसूस करदी है, कंपनी नूं पता है कि की लोड़ है किसानां दी, उस हिसाब नाल कंपनी कम करदी है, ते उरे जिन्नी भी रिक्वायरमेंट है ये ग्लोबली असं दसते हैं रिक्वायरमेंट, तो ग्लोबली ही और सानू सोल्यूशन देने हैं जेडे असं अपने प्रोडक्ट्स देने हैं जी, तद ही साडा प्रोडक्ट फीचर रिच रहिंदा है हमेशा। तो हुण जेड़ा अपना स्पैशल एडिशन 2023 दे विच एक नवा लॉन्च होया गा, तो एक बारी किसानों नूं ये लगता सीगा भी यार कदे डिसकंटिन्यू ना हो जाए ना हो जाए, तो ये चीज़ नूं देख के भी दोबारा हुण खिंच पई हैगी मतलब स्पैशल एडिशन की, तो तुसीं इस दे बारे मतलब कुछ कहना चाहोगे तुहानूं कितना लगे? नहीं हुण सानू पता सीगा कि जद ये एमिशन नॉर्म्स नवें आने तों बाद 50 HP तो उत्ते, तो कुछ किसानों वास्ते कुछ एमिशनस दे करके थोड़ा जा प्राइसिंग फैक्टर आएगा, तो सानू पता सीगा कि साडी मार्केट च इस चीज़ की रिक्वायरमेंट आएगी, उहदे वास्ते असी किसानों की डिमांड के उत्ते इस नूं असी एक तरह का रीलॉन्च किया है, यह कंटिन्यू रहेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी सर अज का जरा जिवें स्पैशल डे है, अज 131 ट्रैक्टर की डिलीवरी है, तो इस दिन तुसीं किवें देख रहे हैं? बड़ी खुशी वाली गल है कि सारे इकट्ठे हुए, एक तो सानू मौका मिले इकट्ठे होने का, इकट्ठे होकर असी कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने किसानों को मिलिए, जरूरत भी समझिए आपस एक दूसरे दियाँ, वो भी समझ सकन, उन्होंने भी लगे कि मैनेजमेंट नाल खड़ी है उन्होंने जी, किसी भी तरह की लोड़ हो असी नाल हैं, इकट्ठे हैं, एक दूजे के पार्टनर हैं जी, ठीक है सर, थैंक यू। 15 डिलीवरी जो के तो पानीपत के लोगों ने की है, यानी कि 15 लोगों को पानीपत किसानों को न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आज गए हैं घर कंपनी की ओर से, समय दे सकते हैं कि ओके सर, थैंक यू। लगातार अभी होल्ड में चलते हैं सारे, ठीक है, लंच के लिए चलो।
हमारी पटवाई।